हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगम ज्ञान मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है कि आपका यू पी ए का जो एग्ज़ाम है वो बीत चुका है और अब मैं ऐसे आशा करता हूं कि आपका नेक्स्ट टारगेट अब एम पी ही होगा क्योंकि आपका एम पी एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होने वाला है तो इससे पहले कि हम एम पी की एक जोरदार तैयारी करना शुरू करें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एम पी का सिलेबस क्या है ताकि हम अच्छे से एक स्ट्रैटी बना सकें और एम पी को टारगेट कर सकें तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे कि हम एम पी का जो सिलेबस है वो अच्छे से समझ लें और इसके बाद जो वीडियो आती रहेंगी एम पी से रिलेटेड कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और लगभग आपका एक से डेढ़ महीने का टाइम बचा है उसको आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान और अब शुरू करते हैं वीडियो को लेट बिल्कुल नहीं करते हैं तो फ्रेंड अगर आप एम पी ए डी बी ओ की सिलेबस की बात करो तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जो कि सेक्शन ए है और सेक्शन बी आपका जो सेक्शन ए है वो जनरल नॉलेज है यानी कि जीएस उसमें पूछी जाएगी और साथ ही साथ इसमें जीएस एमपी की भी पूछी जाएगी और जो आपका पार्ट वी रहेगा वो आपका लॉ का पोर्शन रहेगा उसमें लगभग ट्वेंटी एट के अराउंड एक्ट्स हैं वो उसमें पूछे जा जा रहे हैं तो कौन कौन से एक्ट्स हैं और जीएस का क्या सिलेबस है एक बार डिटेल से समझ लेते हैं हम लोग ताकि हम अच्छे से उसको टारगेट कर सकें तो फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट यूनिट है जो आपका पार्ट ए जो है जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तो उसमें हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ़ एमपी जो है उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टी ऑफ एमपी कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स आर्ट एग्री आर्ट आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ़ एम पी मेन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ एम पी मेन फेस्टिवल्स फोक म्यूजिक एंड फोक आर्ट ऑफ एम पी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ एम पी एंड देयर लिटरेचर मेन टूरिस्ट प्लेज ऑफ़ एम पी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ एम पी तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जो आपकी जियर्स है वो एम पी स्पेसिफिक जियर ज़्यादा पूछी जाएगी इसमें तो आपको एम पी के ही अराउंड सब कुछ देखना है तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि आप एम पी के मैप को अच्छे से समझें और हिस्ट्री हो चाहे जोग्राफी हो चाहे अदर uh, कोई भी चीज़ हो जी से रिलेटेड वो आपको एम के कॉन्टेक्स में ही पढ़नी है जैसे आपने हिस्ट्री अभी देखा उसमें सारी चीज़ें एम के रिलेटेड हैं जैसे कि एम का इंडिपेंडेंस में क्या योगदान रहा किस तरह से क्या रहा ये आपका एम के कॉन्टेक्स में होना चाहिए अगर दूसरा पार्ट देखें आप जोग्राफी का तो जोग्राफी ऑफ तो एम में क्या क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स फॉरेस्ट माउंटेन एंड रिवर्स ऑफ एम क्लाइमेट ऑफ एम नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एम एनर्जी रिसोर्सेज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मेन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ एमपी ठीक है फ्रेंड तो ज्योग्राफी भी एमपी के कॉन्टेक्स में पूछी जाएगी इसी के साथ पॉलिटिक्स एंड इकोनमीमी ऑफ एमपी की अगर आप बात करो तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एमपी यानी कि गवर्नर कैबिनेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है कैसे क्या क्या पॉलिटिकल सिस्टम है एम का वो पूछा जाएगा पंचायती राज एम पी सोशल सिस्टम ऑफ एम डेमोग्राफी एंड सेंसर ऑफ एम यानी कि कैसे क्या पॉपुलेशन का सिस्टम है एम में वो पूछा जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एम मेन इंडस्ट्रीज ऑफ एम पी एग्री कल्चरल एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज इन एम पी इसके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कॉन्टेप्रेनियस इवेंट्स जो है वो एम पी के वो पूछे जाएंगे फेमस स्पोर्ट्स कॉम्पिटन अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड कंट्री यानी कि फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर के साथ साथ मतलब जीएस के साथ साथ करंट अफेयर के लिए भी अपडेट रहना है आपको करंट अफेयर को भी पढ़ना है साथ साथ अगर एम पी से रिलेटेड कोई स्पेशल करंट अफेयर है तो आपको वो भी पता होना चाहिए वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एम पी स्टेट फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड और इसके अलावा फ्रेंड जो पांचवी यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसमें आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अलावा फ्रेंड्स ई ई गवर्नेंस इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कुछ एक्सपीरियंस कि सर एम पी के लिए कौन सी बुक मुझे प्रेफर, प्रेफर करनी चाहिए या कौन सी बुक को रेफर करें जिससे हम एम का जी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें तो फ्रेंड्स उपकार पब्लिकेशन की एम पी की एक बुक आती है आप उसको उसको रेफ़र कर सकते हो उससे काफ़ी आपके स्टैटिक क्वेश्चन जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक बात हो गई पार्ट ए की यानी जिसमें जी जो एम का जी है वो उसकी बात कर ली हमने अब हम देखेंगे कि पार्ट बी यानी कि जो लॉ है उसको उसमें कौन कौन से एक्स पूछे जा रहे हैं तो ये जो पार्ट बी है वो लगभग टेन यूनिट्स में डिवाइड है तो जैसे इकाई बोलते हैं उसे तो पहली इकाई में क्या है कि फ्रेंड्स इन आई पी सी जा रहा है सी आर पी सी इकाई वन में और इकाई दो में क्या होगा मोटर व्हीकल्स एक्ट नाइनटीन एटी एट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट और इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ये हो गया फ्रेंड्स आपकी यूनिट टू में और यूनिट थ्री में क्या रहेगा फ्रेंड्स इंडियन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेवेंटी टू एम पी एक्साइज एक्ट नाइनटीन और आर्म्स एक्ट नाइनटीन ये जो है आपका वो यूनिट थ्री का पार्ट है इसी तरह से फ्रेंड्स यूनिट फोर की अगर आप बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविशन एंड रेड्रेशन एक्ट जो है वो पूछा जाएगा द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो आपके यूनिट फोर का पार्ट हैं इसी तरह से फ्रेंड्स यूनिट फाइव की अगर आप बात करो तो मध्य प्रदेश राज्य राज्य सुरक्षा अधिनियम जो है आपका वो यूनिट फाइव में पूछा जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट टू और एम पी अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विचार निवारण अधिनियम ये आपका जो है वो यूनिट फाइव में पूछा जाएगा इसी तरह से फ्रेंड्स यूनिट सिक्स में जो है मध्य प्रदेश लोक लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम जो है वो यूनिट सिक्स का पार्ट है इसी तरह से द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट टू जो है वो भी आपका पूछा जा रहा है इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप और देखें कुछ और कौन से एक्ट्स हैं हालांकि ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं बट बहुत सारे एक्ट्स पूछे जा रहे हैं सिलेबस लेंदी है आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप उसको एक या दो महीने जो भी बचे हुए हैं उसमें आप सारे एक्ट्स को एक बराबर वेटेज दें और अगर कोई एक्ट ऐसा है जिसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको आप प्रायोरिटी भी नीचे रख सकते हो मगर कट ऑफ में आने के लिए आपको हर एक्ट को देखना पड़ेगा तो हमने यहां तक बात कर ली फ्रेंड्स यूनिट सिक्स तक अब यूनिट सेवन की आप बात करो तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पूछा जाएगा डॉबरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड डॉवरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट टू द ब्राइड एंड ब्राइट ग्रूम रूल्स नाइन एटी फाइव जो पढ़ना पड़ेगा इंडिशेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन प्रोविजन एक्ट नाइन एटी सिक्स ये भी पूछा जाएगा और यूनिट एट में अगर कर बात करो फ्रेंड तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि आर टी आई एक्ट जो है वो पूछा जाएगा नारकोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट एन डी पी एस एक्ट जो है वो भी आपका पूछा जाएगा द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो प्रोविजन ऑफ सेक्स सेलेक्शन एक्ट जो है वो भी आपका सिलेबस का पार्ट है इसी तरह से फ्रेंड्स अगर यूनिट नाइन की बात करो आप तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट नाइनटीन नाइन जो वो भी आपका पूछा जा रहा है उसी तरह से फ्रेंड्स प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट टू वो भी आपका सिलेबस का पार्ट है इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू जो है आपका वो यूनिट नाइन का पार्ट है इसी तरह से फ्रेंड जो लास्ट यूनिट है यूनिट टेन उसमें आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम जो है वो आपका वो पूछा जा रहा है और जोनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल चिल्ड्रेन एक्ट टू जो है वो आपका पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स बाय एंड लास्ट आपके 28 एट एक्ट जो हैं यानी कि लॉ का सिलेबस जो है वो बहुत ही वास्ट है और बहुत सारे एक्ट्स पूछे जा रहे हैं मतलब कि आप देखो कोई सा भी एक्ट जो भी आपको लगभग पता होगा वो सारे एक्ट्स में पूछ लिए गए हैं तो आपको आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेजर लॉज हैं वो तो लोग प्रिपेयर करेंगे ही मगर जो ऐसे भी कुछ इसमें एक्ट्स हैं जो अगर आप एक जुडिशरी एक्सपेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत से एक्ट्स आपने ऐसे होंगे जो पहली बार सुने होंगे या पहली बार देखे होंगे क्योंकि वो अदर किसी स्टेट जुडिशरी या स्टेट ए के जो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो सब नहीं पढ़ रहे हैं आपको वो जरूर पढ़ना है ताकि आप एक अलग अपनी जगह बना सको और ए डी पी ओ को क्वालिफाई कर सको आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी इसके बाद हम ए डी पी ओ से रिलेटेड लेकर वीडियो आते रहेंगे जिसमें हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल लिगम ज्ञान थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे